हेलो दोस्तों डीपी क्लासेज में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगी कुछ इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड के बारे में इसमें दो कार्बन कंपाउंड है जो कि यहाँ पे हमें पढ़ना है फर्स्ट है इथेनॉल सेकेंड है इथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड चूँकि इसी लेक्चर में अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे है ना अब इथेनॉल के कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं इथेनॉल पढ़ क्यों रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसके इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं इससे ही समझ में आ जाएगा आप को ठीक है इथेनॉल में क्या होता है इथेनॉल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म uh, में होता है ठीक है ना तो सॉलिड फॉर्म में होता है ना गैस फॉर्म में ये लिक्विड फॉर्म में होता है है ना सेकंड इसको कॉमनली हम एल्कोहल भी बुलाते हैं एल्कोहल एल्कोहल के बारे में सब सुन uh, सुने होंगे लगभग लगभग ठीक है नाइन्टी परसेंट लोग एल्कोहल के बारे में या फिर हंड्रेड परसेंट लोग एल्कोहल के बारे में सुने ही रहते हैं कहीं ना कहीं तो एल्कोहल इसको इथेनॉल को कॉमनली एल्कोहल बोलते हैं या फिर आप बोल सकते हो कि एल्कोहल का केमिकल नेम क्या होता है इथेनॉल होता है ठीक है जो कि क्या होता है सी टू एच फाइव ओ एच इथेन प्लस और इथेनॉल ठीक है कोई भी एल्कोहलिक ड्रिंक हो चाहे किसी भी ब्रांड का हो या फिर कितना भी हार्ड या फिर कितना भी सॉफ्ट हो उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब कोई एक मेन चीज़ जो होता है वो मेन चीज़ क्या होता है इथेनॉल ठीक है इसके बाद में ड्यू टू गुड सॉल्वेंट यूज इन मेडिसिन ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है इसलिए इसको मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं आप सुने होंगे जब हम कफ सिरप या फिर कोई टॉनिक या फिर इस तरह के कुछ टॉनिक वगैरह जब हम लेते हैं तो उसमें एल्कोहल की कुछ मात्रा इथिनॉल की कुछ मात्रा मिली होती है ऐसा क्यों होता है चूँकि ये बहुत ही अच्छे से आ, सोलबल में विले हो जाता है या फिर सॉल्वेंट बहुत अच्छा होता है इसलिए इसको यूज किया जाता है ठीक है कई तरह के कफ सिरप में कफ सिरप में तो मेनली यूज ही करते हैं ठीक है ठीके? इसके बाद में अगर इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में हम यूज़ करते हैं बहुत लोग इथेनॉल लेते हैं एल्कोहल लेते हैं और बहुत उनको बाद में हेल्थ की प्रॉब्लम आती है तो बहुत ज़्यादा इसको इंटेक करने से अपने को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है सेकेंड इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है वन फिफ्टी होती है अगर सेल्सियस में बात करें तो हम टू माइनस कर देते हैं ठीक है तो वन के इस मेल्टिंग पॉइंट इसकी होती है वन के और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी इसकी 350 फिफ्टी

इथेनॉल आप यूज़ करते हो तो वो ड्रंक आ, मतलब एक जैसे बोलते हैं ना कि पी रखा है या फिर चढ़ा रखा है या फिर मतलब इस तरह से ड्रंक किया हुआ है तो थोड़ी सी क्वांटिटी में भी अगर आप लेते हो इसको तो ये पता चल जाता है कि हाँ मतलब ड्रंक किया हुआ है ठीक है इसके बाद में डायल्यूट प्योर इथेनॉल इन स्मॉल अमाउंट अगर प्योर इथेनॉल लगभग लगभग इथेनॉल या एल्कोहल लोग किसी चीज किसी ना किसी चीज में मिला के पीते हैं ऐसे पानी में मिला के पी रहे हैं फिर और जो भी मुझे इतना आइडिया नहीं है पर किसी ना किसी चीज में मिला के पीते हैं पर अगर उसको आप प्योर रूप में ले रहे हो प्योर इथेनॉल यूज कर रहे हो आप उसमें बिना कुछ मिलाए हुए तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है मतलब बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे अगर उसको हम एकदम प्योर रूप में ले रहे हैं बिना कुछ मिला ठीक है तो ये तो हो गई इथेनॉल की एल्कोहल की प्रॉपर्टी ठीक है अब मैं अब इसको ये तो थे सारे फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण होते नॉर्मल नॉर्मल सारे भौतिक गुण है इसके अब मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आपको बताती हूँ केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ सोडियम सोडियम के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम इथोक्साइड मिलता है हमें तो इसको अगर मैकेनिज्म से हम समझते हैं तो ये हो जाएगा एन ए प्लस सी एच थ्री सी एच टू ओ एच ये ब्रेकडाउन होगा किस में ब्रेकडाउन होगा ये सी एच थ्री सी एच टू ओ माइनस और एच प्लस में इधर सोडियम क्या है एन ए प्लस होता है ठीक है तो ये इसके साथ में जाके मिलेगा और ये क्या बनाएगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एन ए और साथ में क्या बच रहा है एच प्लस मैंने आपको पहले भी बताया है और यहाँ पे फिर से बता रही हूँ कि हाइड्रोजन नेसेंट फॉर्म में नहीं रह सकता क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है एक ही प्रोटॉन होता है अगर वो नहीं रहेगा अगर वही नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन जीवित ही नहीं रहेगा है ना हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं है तो ये यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे फिर सारे में टू से मल्टीप्लाई करेंगे जब टू से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे टू यहाँ पे भी टू और ये भी हो जाएगा टू ठीक है यहाँ पे भी क्या हो गया टू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये रिएक्शन टू एन ए प्लस टू सी एच थ्री सी एच टू ओ एच टू सी एच थ्री सी एच टू ओ एन ए सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस आया समझ में तो ये हो गया इसका फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो कि हमने सोडियम के साथ कराया मतलब इथेनॉल का रिएक्शन अगर हम सोडियम साथ कराते हैं तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा सोडियम इथॉक्साइड ठीक है तो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब हमें इथेनॉल से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी मिल सकता है पर उसके लिए हमें रिएक्शन में हॉट कंसनट्रेशन H2SO4 टू एस ओ फोर मिलाना पड़ेगा ठीक है मतलब अगर हम इथेनॉल को हीट करते हैं कंसनट्रेटेड एच टू फोर के साथ में अगर एच कंसनट्रेटेड एच टू फोर लिया और उसके साथ में हीट किया तो इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें में कन्वर्ट होगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सी एच टू सी एच टू मतलब सी टू एच फोर में साथ में वाटर बाहर निकल जाएगा इसका मतलब जो ये एस टू एस ओ फोर है कंसनट्रेटेड ये किसकी तरह यूज कर रहे हैं किसकी तरह एड कर रहा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह अगर कहीं पे भी कोई भी एजेंट जो है वो आ, यूज करने पे हाइड्रोजन यानी आ, जल वाटर बाहर निकलता है इसका मतलब वो क्या कर रहा है डिहाइड्रेट कर रहा है ना वाटर को कम कर रहा है इसके साथ में ही एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल मतलब कि ये एस टू एस ओ फोर ऐसा एजेंट है जो कि इथेनॉल से वाटर को रिमूव करता है और एक नया कंपाउंड बनाता है जो कि अनसेचुरेटेड होता है जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं ठीक है तो सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू हमें मिल गया ये कौन सा इसका क्या नाम होगा क्या नाम है डबल बॉन्ड है तो इथिन हमें इथेनॉल से हमें इथेनॉल से इथीन मिल मिल गया। गया इसका मतलब हमें हमें क्या मिला? मिल इथेनॉल से एक नया कंपाउंड, जो कि है डबल बॉन्ड यानी अनसेचुरेटेड ठीक है और जहां पे हमने H2SO4 टू एस एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया उसके साथ में हमने हीट किया ठीक है तो ये दोनों थे अपने केमिकल प्रॉपर्टी अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और एक चीज़ और अगर आपको कुछ पूछना है इसमें नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी धन्यवाद